मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान के चलिएगा कि आपके पेपर में आ ही गया, इस टाइप का एक ना एक जरूर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये आपका विकास भाई आपसे कह रहा है 100% गारंटी के साथ। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, सुनो पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ के for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। मतलब k की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं, इफ़ दे हैव टू इक्वल रूट। ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों से बोला हुआ है इन लोगों ने यार कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर कौन मदद करेगा, आपका नेचर ऑफ रूट मदद करेगा, डी मदद करेगा। पहले भाई लिखो, पहले फर्स्ट पार्ट लिखो सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यार हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो भाई, ए मिल गया 2, बी मिल गया के, सी मिल गया 3। ओके, ऑलरेडी कहा है कि रूट्स आर इक्वल। सिंस रूट्स आर इक्वल, हमारे दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल माय फ्रेंड किस केस में होते हैं, जब डी किसके बराबर होता है, 0 के। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू k, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो k² 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 इक्वल टू 0। 24, अब देखो 24 यहाँ पे कुछ हो पाएगा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। 24 के आपको स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे। पहले माय फ्रेंड मैं इसको उधर भेज दूँ, मैंने इसको प्लस का 24 यहाँ पे कर दिया। अब यार आप स्क्वायर रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट का 24। अब 24 को क्या लिखोगे बताओ, देखो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 24 को क्या लिखोगे, 2 का 12 हो गया, डिवाइड किया 2 × 6 = 12 हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया, 3 × 3। सिर्फ किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है भाई, सिर्फ 2 का पेयर। तो माय फ्रेंड ये 2 बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा 6। तो आपके पास ये दो वैल्यू आ गई के की ±2√6। इतना सा काम, बस चिंटू सा काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। बहुत आसानी से हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट, kx x - 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कहोगे सर अभी तो नहीं दिख रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, तो हम कैसे k की वैल्यू निकालेंगे, कैसे इसके रूट्स इक्वल है। है यार, है, जल्दबाजी नहीं, देखो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले kx को x से करो तो kx², फिर kx को 2 से करो 2kx इक्वल टू 0। आ गई ना, x² आ गया। तो है ना भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब तो मना नहीं करोगे। अब जब क्वाड्रेटिक है तो यार k की वैल्यू अब आसानी से निकाल लो। ए यहाँ पर क्या हो गया के, बी यहाँ पर क्या हो गया -2k, और सी यहाँ पर क्या हो गया 6। अगेन लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। तो भाई डी हमने निकाला 0, डी को हमने इक्वल टू 0 रखा सर, और डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। बी है हमारा -2k, ए है हमारा k, और सी है हमारा 6। तो 4k² माइनस का 24k इक्वल टू 0। 4k माय फ्रेंड यहाँ कॉमन है, तो k माइनस 6 अंदर बच गया, है ना। 4k यहाँ से कॉमन किया, k यहाँ बचा, 4×6 = 24। एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। तो k = 0/4 क्या हो गया 0, k = 6। अब बोलो भाई कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इन दोनों में, बताओ, ये या ये पॉसिबल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अब पूछो भाई क्यों नहीं है, विकास भाई क्यों नहीं है, दोनों में जीरो है तो क्या हुआ, पॉसिबल नहीं होगी जी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को करोगे तो जीरो बन जाएगा, तो फिर तो यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी। तो इसलिए भाई जीरो पॉसिबल नहीं है, के इक्वल टू 6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, जरूर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में। और फिर एक तो इंपॉर्टेंट काम तुम्हें करना ही है यार, लाइक ठोको भाई, मेरी वीडियो को शेयर करो यार, पसंद करो, लाइक का बटन दबाते चले जाया करो, सोचा मत करो, शेयर कर दो जितने दोस्तों को कर सको, चैनल को प्रमोट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो आगे बढ़ेगा आपका विकास भाई, है ना, तभी तो आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो ला कर देगा, है ना। बढ़ेगा विकास भाई तो इंडिया भी बढ़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।